खेत में मिसाइल मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। कुछ अनहोनी की खबर सुनकर वैसा ही दृश्य देखने को मिला। खेत में बड़ी सी मिसाइल जैसी अद्भुत चीज देखकर ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। लोग दहशत में आ गए कि भारी भरकम चीज खेत में कैसे आ गया। वहीं गांव के कुछ बुद्धिजीवियों ने इसको मारक मिसाइल का नाम दिया तो लोगों के रोंगटे भी खड़े हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि संत कबीर नगर के खलीलाबाद सदर तहसील क्षेत्र के झीनखाल गांव के एक खेत में सुबह किसान घर से अपने खेत में पहुंचे तो देखा कि खेत में भारी भरकम अद्भुत चीज पड़ी थी। अगल बगल खेतों में काम कर रहे लोगों ने भी यह मंजर देखा तो उस स्थान पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां काफ़ी संख्या में देखने वालों की भीड़ लग गई। जिस किसान के खेत में अद्भुत चीज मिली वह परेशान था। गांव के कुछ बुद्धिजीवियों ने बताया कि यह चीज मारक मिसाइल हो सकती है। सभी लोग दहशत में थे कि आखिर इतनी भारी भरकम चीज खेत में कैसे पहुंच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दिया। सूचना पाते ही पुलिस के आला अधिकारी मैं दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और गहनता से जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं मिसाइल जैसी चीज पाए जाने की खबर से जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया। वहीं पुलिस के लोग भी हैरान थे कि यह मिसाइल जैसी चीज खेत में कैसे आ गई। खैर, पुलिस ने उस भारी भरकम चीज को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षा का घेरा बनाते हुए लोगों को उसके पास जाने से रोका और ग्रामीणों को आश्वस्त किया। बालू शासन बंजरिया का क्या मामला है सर? देखिए, यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पीछे हम देख सकते हैं कि दो फ्यूल टैंक जैसे दिख रहे हैं। वो एयरफोर्स का कुछ ऐसा फ्यूल टैंक गिरा हुआ है जो कि हमने एयरफोर्स से संपर्क किया है और एयरफोर्स की टीम यहाँ पे अभी बहुत कुछ ही समय में आने वाली है और आगे इसके फ्यूल टैंक के साथ क्या करना है वो लोग डिसाइड करेंगे। फिलहाल हमने एरिया को सिक्योर कर लिया है, कॉर्डन ऑफ हमने कर लिया है ताकि कोई भी ऐसी मिसहैप ना हो। बाकी यहाँ पे मौके पे शांति है।